Good afternoon, everyone. Heartiest welcome to all of you in our one more mindful parenting session by our parents coach, Mrs. Preeti Kwatra, director of Petals Group of School. Hello, everyone. Ma'am, generally, बहुत थॉट देके बोल रही हूँ आपको कि बहुत सारे ट्रेजर्स हमारे अंदर होते हैं बट हम उनको यूज़ ही नहीं करते. हम अपने बैंक में उसको सजा के रखते हैं लॉकर्स में कि अगर यूज़ कर लिया तो कहीं कम ना हो जाए. बट वो लॉकर खोलने से कितना मैजिक हो सकता है. मैम, व्हाट आर द टूल्स फॉर बीइंग अ गुड पेरेंट, फॉर बीइंग अ नाइस फ्रेंडली पेरेंट, नाइस पेरेंटिंग टिप्स? We need tools for a nice parenting tips, ma'am. Okay, the first most important tool which you can use with not only with your kids but with anyone is an appreciation. Appreciation. Yes. See, human crave for response, and human crave for most important response is appreciation, right? But we give a least important to this thing. Reason being, हमें ऐसा लगता है पूरे world की responsibility हमारे पास है. हम सबको करेक्ट करना चाहते हैं. हमें ऐसा लगता है करेक्ट करके हम उनका फ़ायदा कर रहे हैं. उनके गलत बिहेवियर को एड्रेस करने से, आप उसका गलत बिहेवियर, किसी का भी जो बिहेवियर आपको नहीं पसंद, वो करने से आपको ऐसे लगता है कि आप उनको इम्प्रूव कर रहे हो. बट आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, आप उसको हाईलाइट कर रहे हो. रादर आप अप्रिशिएट करना इसलिए ज़रूरी नहीं समझते. उसको लगता है जो वो काम कर रहा है वो तो उसका रूटीन का काम है, वो तो उसको करना ही चाहिए. बच्चे को वॉक करनी ही चाहिए, बच्चे को टाइम पर बोलना ही चाहिए, टीनेजर्स को अच्छे से बिहेव करना ही चाहिए, उनको मम्मा की हेल्प करनी ही चाहिए. बट दीज आर नॉट नॉर्मल बिहेवियर. दीज आर द बिहेवियर विच आर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. बट वट वी गिव इज डू दिस, डू दैट, एंड डू इन दैट वे, डू इट इन दिस मैनर. बट देन चाइल्ड सेज एंड अदर सेज, खुद कर लो, डोंट करेक्ट मी एवरी टाइम, आई एम लाइक दिस, दिस इज अ प्रॉब्लम. Appreciation. So according to you, this is one of a very biggest tool जो हमारे पास है, but हम use नहीं करते. आपको कितने दिन हो गए appreciation मिले हुए? मैम, आपने किया नहीं. मैम, बहुत time हो गई, इसमें कोई check नहीं है. मैम, हमें ऐसे ही लगता है कि appreciate करेंगे तो अगला बंदा कहीं, you know, सर पे ना चढ़ जाए, बिगड़ ना जाए, over pampering ना हो जाए. I mean, एक mindset आता है ना ऐसे कि सी, आप उसको नेगेटिव भी तो उसके हाईलाइट करते ही हो ना. बिल्कुल करते हैं. आप अपने बच्चों के करेक्ट करते हो ना, ऐसे मत करो, ऐसे करो, इस टाइम मत उठो, इस टाइम मत सो, इस टाइम ऐसे टेंटर मत थ्रो करो, बड़ों से ऐसे बात मत करो. आपको जो कॉन्शियस पेरेंट होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कब उसने सही करा और मैं उसको हाईलाइट करूँ. और हम ऐसा नहीं, हम ऑपोजिट करते हैं. हम उसके गलत बिहेवियर को करेक्ट करने में लगे रहते हैं. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम. बिकॉज वी वांट अ परफेक्ट चाइल्ड. See, it is not the definition of a perfect child, Muskan. It is a definition of a undue response, Muskan, negative response. It is not कि आप उसको perfect parent बन रहे हो या perfect child बना रहे हो. The problem here is you are correcting the incorrect behavior, undesirable, and you are ignoring which is okay. You're not appreciating. I'm not saying appreciating, but you are not even acknowledging it. क्या आपने बच्चे को कभी कहा सुबह आप अपने आप उठ गए, very good बेटा? This is an appreciation. उठ गए तो अब जल्दी से नहाओ, नहा लो, ब्रश कर लो, राइट? जिस दिन हमें उठाने में दिक्कत होती है बच्चे को, उस टाइम हम लोग कितना सारा उस बेचारे को लेक्चर देते हैं, राइट? और जिस दिन वो आराम से उठ जाता है, हम कभी भी उसको पैट नहीं करते, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, आज आप अपने आप उठ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा. आप एक दिन ये करें, नेक्स्ट डे वो उस बिहेवियर को या सेम एप्रिसिएशन या रिस्पॉन्ड लेने के लिए वो दोबारा करेगा. So, अगर हमने मॉर्निंग में ही उसको अप्रिशिएट कर दिया तो कितनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ उसका दिन उसका सेल्फ एस्टीम कितनी अपलिफ्ट करी. हमने कभी इस चीज को थॉट ही नहीं दिया. मैम, क्या वो स्कूल से आया? हमेशा हमने ऐसे पूछा कि आज दिन कैसा गया या स्कूल कैसा था. कभी आपने ये पूछा डिड यू फील हैप्पी टुडे? राइट, नेवर. ये वर्ड ही नहीं पता था. वर्ड ही नहीं पता, पता ही नहीं. या हमने ये पूछा कि आज आपने तीन लोगों को अप्रिशिएट किया, मार्क्स कितने आए? मार्क्स कितने आए? डायरी में कोई नोट तो नहीं है? मैम ने होमवर्क दिया, ये सब ने पूछा. क्या आपने ये पूछा कि मैम ने आपको किसी की हेल्प करने के लिए अप्रिशिएट किया या आपने किसी को अप्रिशिएट किया? वी नेवर आस्क. इसीलिए हम बच्चों में भी यही चीज़ इन्वाइट करते हैं कि नेगेटिव को करेक्ट करो और जो सही चीज़ है वो तो ठीक है, चल ही रही है. और अप्रिसिएशन ज़रूर. आज की डेट में एक और प्रॉब्लम चल रही है, अप्रिसिएशन का मतलब गिफ्ट्स होता है.
which is absolutely incorrect. Absolutely. It can be verbal. आप बच्चे को सिर्फ इतना भी बोल देंगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने मेरे साथ टेबल डेकोरेट करने में हेल्प करी. The child will feel proud. But we always think of appreciating, मतलब कुछ reward देना. Gift. No, it can be verbal. Yeah. It can be tactile. Hmm. Like you can pat on a shoulder. Hmm. You can give a nice hug to the child. मेरे ख्याल से 3 से 4 साल के बाद hardly कोई parent है जो अपने बच्चे को hug करता हो. और बच्चा 12 years के बाद तो hug का मतलब ही भूल जाता है. You know, उनको शर्म, बच्चों को भी शर्म आनी शुरू हो जाती है और parents को भी. And there is no harm in hugging 30-year-old child also. आप एक बार अपने घर में अपने बड़ों को हक करके बोल कर देखिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी एट एवरी स्टेप. दे विल फील इमोशनल बिकॉज उनके लिए वही, उनको क्या हो गया आज कि 30 साल बाद हक करने की याद आई है. यू नो, हक करना इज अ वेरी बिग एप्रिसिएशन, पैट करना इज अ वेरी बिग एप्रिसिएशन. और आप उसी को अप्रिशिएट करते हो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो. जहाँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रस्ट नहीं होता ना, आप उसको अप्रिशिएट भी नहीं करते हो. और ये सिर्फ पेरेंटिंग में नहीं, ये आपके किसी भी रिलेशन में आता है. एब्सोल्युटली, मैं मानती हूँ लेडीज सारा दिन घर पर होती है, बहुत कुछ करती है, आपको लगता है वो उनका रूटीन का काम है. क्या आपने कभी अप्रिशिएट करा, थैंक्स? अगर आप इतना नहीं करते तो मैं आज वहाँ ना होता जहाँ मैं हूँ. और सेम टू द फीमेल, अगर वो, उनको लगता है कि सारा दिन वो बाहर रहते हैं, वो रिलैक्स हैं, वो जब मर्जी काम कर सकते हैं, आपने कभी नहीं बोला कि थैंक यू सो मच, आप ये कर रहे हो तो मैं आपको घर देख पा रही हूँ, बच्चों को देख पा रही हूँ, राइट? और टीनेजर्स तो पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बस इसकी हिम्मत कैसे होगी, अभी इतना बड़ा हो गया है, इसको मुझे भी समझना चाहिए, इसको फादर को भी समझना चाहिए, इसके घर के बड़ों को भी समझना चाहिए. उस बेचारे को कौन समझेगा, उसको सब लोग करेक्ट करने में लगे हुए हैं कि इसने फ्यूचर में वर्ल्ड में जाना है, ये बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा. अरे उसका अभी, व्हाट अबाउट द प्रेजेंट? क्या उसको कभी किसी ने बोला थैंक यू फॉर गिविंग मी वाटर, थैंक यू सो मच कि गेस्ट घर पर आए, आपने अच्छे से अटेंड कर लिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ एल्डर्स एट होम? मैम हमें लगता है वो उसकी ड्यूटी है. नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट. अगर आप उसको करेक्ट करना समझते हो कि आपकी ड्यूटी है, तो उसके सही बिहेवियर को एक्नॉलेज करना भी आपकी ड्यूटी है. और कुछ और पेरेंट्स ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं कि घर पे चार्ट बना रहे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 4 साल से लेकर 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं, डेली अगर उन्होंने एक अच्छा काम करा तो उनको स्टिकर्स दे, ठीक है? वंस द चाइल्ड कलेक्टेड 10 स्टिकर, तो उसको ट्रीट दे सकते हैं. और ट्रीट क्या होनी चाहिए, गिफ्ट की बात नहीं कर रही मैं, फिर से ये बात एड्रेस कर रही हूँ. ट्रीट होना चाहिए कि आज रात का मेन्यू आप डिसाइड करोगे. द चाइल्ड विल फील बिलोंगिंग, यस आज मैंने डिसाइड करा. इट कैन बी पास्ता, इट कैन बी पिज्जा और एनीथिंग, यू शुड बी रेडी फॉर दैट, राइट? आज हम सब मिलके आपके साथ खाना खाएंगे. बहुत कम पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ मिलके खाना खाते हैं. मदर्स डाइटिंग के चक्कर में 8 बजे से पहले खाना खा लेती हैं, फादर ऑफिस से लेट आने के चक्कर में देर से खाना खाते हैं, बेचारा बच्चा को कहते हैं खा खा खा. आपको कैसे पता? हाँ, ये डे टू डे बेसिस. आप तो नहीं डाइट कर रहे ना? बिल्कुल भी नहीं. आपने अपने बच्चे को हर छोटी बात के लिए अप्रिशिएट करना. थैंक्स फॉर कीपिंग योर बैग नीट एंड क्लीन. वो आपका घर नीट एंड क्लीन देख रहा है, बट अपना स्कूल बैग तो नीट एंड क्लीन रख रहा है. अप्रिशिएट दैट. थैंक्स फॉर मेंटेनिंग योर पेंसिल बॉक्स एज इट इज फॉर अ 1 वीक. 1 वीक तक तो कोई पेंसिल नहीं लॉन्च करी. गिव हिम अ थैंक यू नोट ना. अच्छा, एक बहुत अच्छा टूल मैं आपको बताती हूँ, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. अगर आपका बच्चा 12 साल से बड़ा है, तो आप लव नोट्स यूज करें. लव नोट्स. आप उसके वो जो वॉशरूम में मॉर्निंग में ब्रश करने जाए, तो मिरर पे मदर का नोट लगा होना चाहिए, थैंक यू फॉर बीइंग देयर. वाओ, नाइस. आप उसके लंच बॉक्स में नोट डालें मॉर्निंग में, जब वो खोलता है अपने स्कूल में जाके लंच बॉक्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सन, दैट्स इट. आप उसके पेंसिल बॉक्स में नोट डालें, उसके फ्रेंड के थ्रू उसको मैसेज भिजवाएं. These are the actually appreciation notes with students, or parent, or children, or an adult, wife, or a husband. एक husband ही wife को अगर ऐसा tool दे दे तो भी मैम miracle हो जाएगा. But हमने कभी thought ही नहीं दिया. And it's such an easy. Make it a rule in your family. Every day in the morning, everyone should appreciate each other for one reason. आप अपनी family में vibrations देखेगा. आप अपनी family में change देखेगा. So we had a problem with one of our class in school, and this is what ma'am started in school. She said ignore the negative and just highlight the positive of that class, of each little being of that class. We've been doing it for more than 15 days. The class has really changed. Unhone galat karna hi band kar diya. Because you are not addressing those negative things. Yes, because we are not addressing. Yes.
Yes, absolutely. Address the positive things. Address the normal things which they are doing in. Thank you, students, for going in a line. Just think. Every day, just to take the attention, they will walk in a line. Absolutely. Because everybody, you, me, and every human being on this earth is looking or a craving for attention and a positive response. Perfect. Absolutely. Absolutely. I remember, I usually don't cook, but just last week I cooked something and it was appreciated by my family. So that appreciation let me, you know, it let me to repeat this activity. Absolutely. I felt like ab main kuch naya menu banaun aur kuch khilaun. So if it can be magic to my life, imagine it can be magic to any child, any age group, any age group. Aur ma'am, ye baatein hame pata thi. Yes, but unconscious. We are not conscious. वो I would say कि वो ज़िंदगी की भाग दौड़ में routine में whatever don't ignore the positives, don't ignore the normal. It is okay, as I always says, it is okay to be okay, but it is always important to give importance to the okay. It is very very important. जब मैंने कोई parents मिले वो कहते हैं मेरे में ही ये बातें सुनने के बाद change नहीं आ रहा, मेरी बिटिया में भी change आ रहा है. That means हम अपना अनकॉन्शियस बैगेज जो है वो अपने बच्चों को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं. अगर हम अपने बच्चों का पॉजिटिव नहीं अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, तो उनमें भी ये हैबिट नहीं आएगी. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज अ काइंड ऑफ अ बिहेवियर वी शुड अनकरेज. दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि अगर हम इसको एक रूटीन बना ले दैट एवरी डे इन द मॉर्निंग लेट्स फाइंड अ रीजन टू अप्रिशिएट ईच अदर एंड सम टाइम इट इज ओके टू अप्रिशिएट नॉर्मल थिंग. Thank you so much for making my bed. Thank you so much for serving me treat. Thank you so much for going to school. Yes. Eating the lunch properly. On time. Thank you so much for catching a bus. There are so many things. अदरवाइज 7 बजने में 5 मिनट में हर एक के घर पे आप रोड पे देखो, आप रोड पे देखो कैसे पेरेंट लेक्चर देते हुए बेचारे बच्चों को छोड़कर आते हैं. एंड किड्स आर लीस्ट बॉदर्ड. मुझे नहीं लगता वो सुन भी रहे होते हैं. ऑब्वियसली दे डोंट. और आपको पता है टीनेजर्स क्या कहते हैं? जब हम टीनेजर्स पेरेंट्स से बात करते हैं या बच्चों से बात करते हैं, पेरेंट्स बच्चे ये नहीं कहते आई डोंट लाइक माई पेरेंट, दिस इज आई डोंट अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट. प्रॉब्लम इज दिस. अगर आप सब बच्चों की स्ट्रेंथ हाईलाइट करना शुरू कर दोगे ना, तो वो बच्चे नेगेटिव करना जेन्युइनली भूल जाए. और मैम हम भूल जाते हैं, हम पता नहीं क्यों, इट्स नॉट मी, इट्स माइट बी यू, शायद आप भी कभी कभी मैम, बट हम वो यस आई एम नॉट ऑलवेज कॉन्शियस पेरेंट बिकॉज शायद हम वी वॉन्ट देम टू बी अ वेरी परफेक्ट ह्यूमन बींग ताकि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए. मैडम बनाए परफेक्ट बट अप्रिशिएट करके उनकी सही चीज़ को, गलत चीज़ को हाईलाइट करके आप अप्रिशिएट करके बनाएंगे तो आपको गलत ही बच्चा मिलेगा. और हम हमेशा गलत को हाईलाइट करते हैं क्योंकि आप उसको करेक्ट करने में लगे रहते हैं. अगर आप उसको करेक्ट करना है तो करेक्ट बिहेवियर हाईलाइट करें. ये जो करेक्ट वर्ड है वैसे तो है ये इनकरेक्ट वर्ड, वी शुड नॉट यूज दिस, बट अगर आप करेक्ट बिहेवियर को हाईलाइट करेंगे तो बच्चा करेक्ट करेगा. यस दिस इज अ फैक्ट. आई हैव ट्राइड दिस. We have tried. We have a special girl in our school. We will not disclose the name. She was unable to handle her body. She was unable to control saliva coming out of her mouth. But we have tried a trust factor and an appreciating factor. If she is walking properly, we give her a smile and says very good, right? That gives her a confidence and right. She started balancing her body. Yes. And now she can control so many things. Absolutely. With the appreciation and trust are the magical things. Use these tools and see the difference. Ma'am, what reward can we give? Like, aapne bola gifts nahi dene. No. But just sometime. But ma'am, humne unki aadat itni bigaad di hai kuch na kuch karke ki kya hug unko lagega ki reward hai. Try this. Today afternoon, you try this thing. Once your child is coming back from the school, if he is okay, relaxed, just give him a nice hug. आपको अभी तक नहीं समझ में आया था, आज आपको समझ में आया तो वो पूछ रहा है आपकी तबीयत ठीक है. गिव हिम अ हग. डज नॉट मैटर 4 ईयर चाइल्ड और 18 ईयर ओल्ड और 20 ईयर ओल्ड. डेफिनेटली आई यूज टू हग माई सन अ लॉट. ही इज 18 ईयर ओल्ड. एवरी संडे फर्स्ट part of our day is like this. Just cuddle the child and tell him thank you for being there. Whatever you are, I'm accepting you as it is. I think this will do miracle. I am too a mother of 2 sons and I am gonna do this, ma'am, from tomorrow. What you said about love notes, that's a magical thing. Excellent thing. I don't know how it did not come in my mind,
बट एक्सलेंट टूल टू एक्सप्रेस. यस, शायद बोलूंगी मुंह से तो वो हंसेंगे मेरे पे, बट आई कैन राइट अ नोट. यस, यू कैन राइट इन देयर टिफिन, इन देयर डायरी. यस, और यू इफ यू फील यू नो यू आर फीलिंग शाय फॉर अप्रिशिएटिंग एनी ऑफ योर चाइल्ड, यू कैन राइट वन गुड थिंग व्हाट व्हिच ही डिड इन द लास्ट नाइट इन हिज लंच बॉक्स. एटलीस्ट ही विल रिमेंबर, ही कैन रिकॉल, मम्मा ने वो याद रखा और मम्मा ने नोटिस करा. जरूरी नहीं आप हर नोटिस चीज उसको बोलो, कभी कभी आप चिल्ड्रन लव सरप्राइजेस, यू कैन मेक इट अ सरप्राइज इन एनी रिलेशनशिप. अगेन आई एम एड्रेसिंग. सो पेरेंट्स, व्यूअर्स, हमारे लॉकर में बहुत सारी अप्रिसिएशन है. Yes. हमें उसको अनलॉक करना है, निकालना है और कुछ भी नहीं जाएगा. यू विल फाइंड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, यू विल फाइंड अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर चाइल्ड्स फेस. And I am gonna start up this love note from tomorrow for sure. Because मुझे लगता है जो मैंने थोड़ा सा कनेक्ट छूट गया मुझसे being a working mother or anything, मैं उसको रिपेयर कर सकती हूँ. It's never too late to start. And I'm gonna put in the tiffin of my husband also. Yes, you can try this. It can happen. We have tried this thing with one newly married couple. They were having some disturbance or something. Then I asked that lady, she is again a working woman. Then I asked her, keep an alarm. Every time you are very active on WhatsApp. Right, so you can also send a nice WhatsApp, I'm missing you, that's it. Yeah, I can feel the change within a 15 days. Yes. Within 15 days. मैं for granted ले लेते हैं, ऐसे लगता है कि ठीक है सब कुछ है, क्यों बोलें कि thank you for being with us, thank you for taking care of me, my kids, my family. Yeah. हम for granted. Yes. What a beautiful, I loved today's session because I suppose this was my requirement being a mother. Thank you so much, ma'am. My pleasure. And I want you all to be tuned with us with just one aim of ours. We want you to live your child's childhood. We want you to enjoy their childhood so that उनका ब्लू प्रिंट बहुत ब्यूटिफुल रहे, वो आपकी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज साथ रखे. एंड आर एम इज ओनली वन, दैट ओनली अ हैप्पी पेरेंट कैन नर्चर अ हैप्पी चाइल्ड, बिकॉज एवरी चाइल्ड मैटर्स. यस, स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच, यू हैव ऑलवेज बीन गिविंग अस एन नंबर ऑफ लाइक, शेयर्स, कमेंट्स. वी विल बी कैचिंग यू वेरी सून नेक्स्ट वीक. हैव अ नाइस वीकेंड. थैंक यू.